ये ऐसा है कि ऋग्वेद से लेकर के और जितने ग्रंथ हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे अठारह पुराण हो, सब जगह जो अयोध्या का वर्णन है वो भारत में उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या का वर्णन है। और नेपाल में सरयू है ही नहीं है। वेदों में लिखा गया है कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू नदी प्रवाहित होती है। जब वहां सरयू है ही नहीं तो वहां अयोध्या का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। वैसे भी पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, सब देशों में पहले राजा होते थे और सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट भारत, भारत में भी अयोध्या में बैठते थे महाराज रघु, महाराज जो है तो महाराज दशरथ या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो ओली ने जो ये बयान दिया है, ये निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान के इशारे पर जो है आतंकवाद की भाषा का प्रयोग कर रहा है। और हमेशा भारत जो है नेपाल का मदद करता रहा है। और ओली को इस बात का जो है तो ज्ञान होना चाहिए कि अगर भारत जो है मदद देना बंद कर देगा तो नेपाल जो है भूखमरी से मर जाएगा। और जितने नेपाली भारत में रह रहे हैं, अगर इनको जो है एक बार कह दिया जाएगा कि ये नेपाल चले जाएं तो एक महीना का भी राशन नहीं होगा ओली के पास में। तो ये चूंकि माओवादी नेता है और वहां राज परिवार की हत्या करके षड्यंत्र के तहत इसने सत्ता हथियाया है, जब से ये सत्ता पर बैठा है तब से निरंतर जो है तो नेपाल जो है तो पतन के गर्त में जा रहा है। अब जरूरी हो गया है कि नेपाल की जो जनता है वो सड़क पर उतर करके ओली को सत्ता से जो है तो नीचे उतारे, या तो ओली क्षमा मांग लें, नहीं तो जिस दिन हमारी जो है तो भारत में जो है केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद देने से जो है मना कर दिया, उस दिन से जो है तो नेपाल की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। और चूंकि पाकिस्तान जो है तो आतंकवादी हमला जो है आत्मघाती हमलावरों को तैयार करके और आतंकवाद का एक उदय बना हुआ ट्रेनिंग सेंटर, और चाइना जो है तो चूंकि पाक्स का समर्थन करता है, तो चीन जो है कोविड-19 को जो जैविक हथियार तैयार किया है इससे जो है अमेरिका इत्यादि उसकी चपेट में है। तो दो राष्ट्र दुनिया के नक्शे से खत्म होने जा रहे हैं। और अगर ओली की भाषा जो है तो सही नहीं हुई तो फिर नेपाल भी दुनिया के नक्शे से खत्म होगा। मैं मान रहा हूं कि हो सकता है हम जितने भारतीय हैं, जितने नेपाली हैं, नेपाली जो है भारतीयों को जीजा जी कहते हैं और हम लोग उनको साले कहते हैं, तो ये अगर साले सही नहीं होंगे तो ओली की झोली फट जाएगी अगर इनकी बोली नहीं सुधरी तो। जिस प्रकार से नेपाल के प्रधानमंत्री ने अयोध्या को काल्पनिक बताया और हमारे भगवान प्रभु राम को नकली बनाया, इससे पता चलता है कि वो एक अज्ञानी है। न उसे शास्त्र का ज्ञान है, न इतिहास का ज्ञान है, और न ही अयोध्या और जनकपुर के संबंध को जानकारी है। इसको पता है कि जानकी का जन्म मिथिला में हुआ और भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। तो जनकपुर से अयोध्या का शास्त्र संबंध बहुत प्राचीन है। उसके बाद भी इस प्रकार से कहना एक महत्वपूर्ण पद पर, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और ऐसी अज्ञानता की भाषा बोलता है, इससे लगता है कि उसको राजनीति से प्रेरित होकर के, मैं समझता हूँ चीन के दबाव के कारण से इस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति का नाश करने का प्रयास कर रहा है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को बहुत निंदा करता हूँ और किसी भी देश की संस्कृति को, किसी महत्वपूर्ण स्थान को काल्पनिक कहना यह अज्ञानता है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है उससे ही पता चलता है कि वह अज्ञानी है। मैं नेपाल की जनता से और उसकी सरकार से यह निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारा नेपाल का और भारत का संबंध प्राचीन है और बहुत से सहयोग हमारे भारत देश नेपाल को देता चला आया है। ऐसी स्थिति में दोनों को संबंध बिगाड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वह निंदनीय है। और मैं नेपाल की जनता से कहूँगा कि आप इसका विरोध करें और जब तक वो क्षमा नहीं मांगता तब तक उसको पद से हटाया जाए, नहीं तो हमारे शाश्वत प्राचीन समय से चले आए सांस्कृतिक संबंध, वैवाहिक संबंध और तमाम ऐसे संबंध हैं जो इस प्रधानमंत्री के बयान से बिगड़ सकता है। राम राम नेपाली हैं भगवान। जो संतों में हमको क्या कहना है, आपको क्या कहना है? हमको जो कहना है बता रहा हूँ, हमारे पास तो रिकॉर्ड है सिद्ध महापुरुषों के द्वारा स्थापित गर्भगृह ये राम जन्मभूमि श्री अयोध्या की है।
ना इधर ना उधर, हमारे समझ में नहीं आता है।